बना रहे थे लास्ट क्लास में, इसमें हमने क्या कर लिया था, फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, फाइनल ऑब्जेक्ट ये वाला। और अच्छा, तो एक दोस्त ने बताया कि वो इमेज उनके पास ना शो नहीं हो रही। अच्छा, तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट में ना इमेज को रखा ही नहीं था, मैं ज़रा इमेज को भी रख लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इमेज को मैं कैसे रखूँगा भला, यहाँ पे आएगा ना इमेज आइकन, क्या नाम था उसका, आइकन ईच आवर डॉट आइकन ऐसे था। अच्छा, मैं ये थंडर ओपन करके देख लेता हूँ कि वो कैसे मैंने कॉल किया था। ये थी ना वो API जो लास्ट टाइम कॉल कर रहे थे, सेंड का बटन दबाया मैंने और मेन के अंदर नहीं है वो, वेदर के अंदर है, वेदर का इंडेक्स 0.icon ये वाला, ये 03n लिखा हुआ है, यही मिल रहा है ना। अच्छा, देखते हैं अभी इसका, सॉरी हाँ, इसके साथ लिंक लगेगा, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में बताया हुआ होगा कि ये कैसे लगता है लिंक, अभी देख लेते हैं वो कैसे लगता है। यही समझ नहीं आ रहा ना कि लिंक में कैसे कन्वर्ट होगा ये, तो भाई वो तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ से ओपन वेदर API में जाओगे और वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स में जाओगे ना, सही है, कहाँ से गया था मैं, फ्री वाली API में प्राइसिंग से गया था, प्राइसिंग में जाते हैं जो फ्री वाली API है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं डायरेक्ट। ये है हमारी फ्री वाली API 5 डे, इसमें एंटर हुआ। अब देखो इसकी जो नीचे डॉक्यूमेंटेशन है ना, सही है कि भाई ये चीज़ें, ये इनपुट लेती है API और आउटपुट क्या देती है, आउटपुट मिलता है ये, सही है। अब ये आउटपुट मिलने के बाद ना नीचे एक एक चीज़ को इसने एक्सप्लेन किया है कि इसमें एक एक चीज़ जो है वो क्या है और उसको यूज़ कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो आइकन कहाँ पर मौजूद है, आइकन नहीं है इसमें, अरे ये क्या, आइकन तो उसमें होना चाहिए था, लिस्ट लिस्ट डॉट LT मेन, अच्छा मेन में नहीं होगा, ये रहा वेदर। अच्छा वेदर के अंदर क्या है, आइकन। अच्छा तो ये कह रहा है कि भाई वेदर आइकन की ID आपको दी जा रही है, ID आपको दी जा रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बताया होगा कि इस ID को इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो यहाँ नहीं बताया इन्होंने। अच्छा ये तो यहाँ पे नहीं बताया इन्होंने, तो कैसे हम चेक करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इनके, हाँ लिंक भेजा नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ढूंढ लेते हैं, गाइड में जाता हूँ मैं, गाइड में कहीं ना कहीं इन्होंने बताया होगा कि हम जो आइकन भेजते हैं उसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी को पता है वो वाला सेक्शन कहाँ पर है इसमें गाइड में, आइकन को इस्तेमाल करने वाला, करंट स्टेट, इफ यू वांट टू गेट पेड API, यहाँ पे कहीं होना चाहिए। अच्छा मैं अलग से गूगल पे लिख लेता हूँ, हाउ टू यूज ओपन वेदर आइकन ID, सही है। तो ये मुझे इसके, अच्छा वेदर कंडीशन के नाम से ना एक लिंक ये लेकर आ गया जो मुझे उनकी गाइड में नहीं मिल रहा था, मुझे गूगल पे अलग से मिल गया है वो। ठीक है, ये मुझे गूगल ने जो है ना ढूंढ के डॉक्यूमेंट ला के दिया है, इसने बोला है कि भाई आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है आइकन ऐसे करके, सही है। अब उस आइकन को आप करेंगे क्या, ये है वो आइकन सारे, सही है। देखो अभी इन्होंने क्या दिया हुआ है, 10 और साथ में n लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप ना यहाँ पे ये 10D है ना, इसकी जगह ये आप लिख दोगे, बाकी पूरा का पूरा URL ये आ गया। ठीक है, ये सिर्फ ये 10D जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, जो यहाँ आ रहा है वो लिखोगे आप, ये 3 कैरेक्टर 10D और @2x जो है ना, 2x का मतलब क्या है, इसका साइज है ये, हाँ सही है। ये ना देखो 11D में क्या मिलेगा, सही है, 9D में क्या मिलेगा, ये मिलेगा,
नहीं, जो डायर जो API से आ रहा है वो रखेंगे, बाकी पूरा URL सेम होगा, बीच में वो रख देंगे हम। ठीक है देखो 13D में ये मिलेगा। हाँ ना, अभी मैं करके दिखा देता हूँ ना ये कैसे होगा। तो मुझे जो मिला है यहाँ पे 03N, इसको वो पूरा URL उन्होंने बताया हुआ, तो उस URL में मैं इसको पुट कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल मैं अगर अपने इस कोड में हाथ किया तो लगाता हूँ ना, देखते हैं क्या होता है। 04D नाम है ना इसका, जो अभी इसमें दिख रहा है मेरे पास वो 04D है। मैं इसमें पूरा का पूरा URL वो वाला पेस्ट करता हूँ, पूरा URL मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये 10D की जगह ना मैं क्या लगा लेता हूँ, जो मुझे अभी मिल रहा है API से, अभी क्या मिल रहा है, 03N मिल रहा है अभी राइट नाउ। तो मैं 03N लगा देता हूँ यहाँ पे हाथ से फिलहाल, 03N। अब देखते हैं मुझे स्क्रीन पे ये क्या दिखाता है, कहाँ गया मेरा वो। अच्छा इसको मैंने ओपन नहीं किया हुआ अभी, कॉपी पाथ। ठीक है, ये है जो मैंने हार्ड कोडेड लगाया हुआ ना, वो ये वाला है। ठीक है, इसको मैं 13D कर देता हूँ, अगर 13D तो 13D पे क्या मिलता है, 13D पे ये मिलता है। तो वो डायनेमिकली खुद ही चेंज होता रहेगा, सही है। हमें जस्ट लिंक के बीच में वो कोड डालना है जो हमें API से मिल रहा है। कोड नहीं चेंज हम क्यों करेंगे, वो API से टेम्परेचर जब चेंज होता है तो कोड भी चेंज होगा। हाँ नहीं, अभी तो मैंने हाथ से 13D लगाया ना, ये हाथ से थोड़ी लगाऊंगा मैं तो लगाऊंगा API से जो डेटा है ना वो बीच में रख दूंगा बस। अभी करते हैं वो, दो मिनट में करते हैं। अच्छा तो पहले तो मुझे इसको प्रिजर्व करना है ना यहाँ रिटर्न के अंदर, तो मैं इसको बोलूँगा नहीं हुआ ना, अभी डायनेमिक थोड़ी ना हुआ है, अभी तो मैंने आइकन इसमें रखा हुआ ही नहीं। अच्छा तो मैंने इसको बोला है कि वेदर, और वेदर के अंदर है आइकन। अच्छा वेदर का 0 इंडेक्स है, ये मैंने मिस कर दिया, देखता हूँ। हाँ वेदर का 0 इंडेक्स है। सही है, और उसके अंदर आइकन जो है वो क्या होगा, ईच आवर डॉट वेदर का इंडेक्स 0 डॉट आइकन। सही है, तो ये करने के बाद मुझे फाइनल जो मुझे मिल रही है ना चीज़, अब जो फाइनल मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डे वाइज का जो फाइनल ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे क्या मिलेगा, उसमें मुझे वेदर का वो भी मिलेगा, आइकन भी मिलेगा। ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, देखो फाइनल जो मुझे मिला है ऑब्जेक्ट, इसमें पहले वाले को मैंने ओपन किया, देखो वेदर और डॉट आइकन ये भी मुझे मिल रहा है, आइकन भी मिल रहा है मुझे। सही है, अब ये आइकन मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, मुझे ये इस जगह पे, ये इतना सा जो चुन्ना मुन्ना सा है ना, ये दो पार्ट, इसको दो पार्ट को मैं रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे टेम्पलेट लगाऊंगा और क्या बोलूँगा मैं, ईच डे डॉट वेदर का इंडेक्स 0 डॉट आइकॉन। ठीक है, अब ये हुआ है डायनेमिक, पहले डायनेमिक नहीं था ये, अब डायनेमिक हुआ है ये। अब देख रहे हो हर कार्ड में अलग अलग आ रहा है, क्योंकि आज है बादल सफ़ेद वाले, फ्राइडे को हो जाएंगे काले वाले बादल, और मंडे को ये क्या आ गया यार, ये कौन सा आएगा ना, मंडे वाले में ना लास्ट वाले में कौन सा आया है, लास्ट वाले में आया है वेदर की कंडीशन 01N आया है, 01N क्लियर, इसका मतलब है क्लियर। सही है, 01N और साथ में मैंने 2x लगाया हुआ है यहाँ पे @2x, तो साइज उसका आ रहा है 2x वाला। ठीक है, अब ये मैंने इनर HTML के जरिए किया था। अच्छा अब ज़रा इसमें सिटी का नाम भी मैंने हार्ड कोडेड दिया हुआ था ना, वो भी ज़रा सिटी नेम को कराची से क्या कर देता हूँ मैं, लंदन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं क्या आता है लंदन में। लंदन में बर्फ़बारी हो रही होगी मे बी, अच्छा नहीं लंदन में भी क्लियर है। और कोई वैंकूवर, वैंकूवर की स्पेलिंग सही है, अब सही है।
वैंकूवर में देखते हैं, वैंकूवर में ये हुआ होगा, सही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ आइकन दिखाने से भी मसला नहीं होगा, शायद नीचे लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे आइकन आ जा रहे हैं जो मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये। ठीक है, आइकन के साथ वो वेदर कंडीशन भी आ रहा है मेरे पास, याद देखो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में देखो ये आ रहा है ना, मेन, डिस्क्रिप्शन और आइकन तीनों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ लिखवा लेता हूँ, क्या ख्याल है? डिस्क्रिप्शन भी मैं लिखवा लेता हूँ साथ साथ। यहाँ पे मैंने कहा कि यार आइकन तो कर रहे हो ना आप, डिस्क्रिप्शन भी कर लो, डिस्क्रिप्शन को भी आप क्या कर लो, सेव कर लो। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, जो फाइनल ऑब्जेक्ट है मेरा लास्ट वाला, उसमें मुझे डिस्क्रिप्शन भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं ये भी डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या मिला है मुझे, फ्यू क्लाउड्स, ऐसे करके मुझे डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो जाएगा। सही है, क्या मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ डिस्प्ले करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ। एक डिव मैंने और बना ली यहाँ पे, और मैंने इसके अंदर क्या डिस्प्ले करवा दिया, मैंने इसके अंदर डिस्प्ले करवा दिया कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या है। मैंने कहा ईच डे डॉट वेदर का इंडेक्स 0 डॉट डिस्क्रिप्शन, रिफ्रेश किया मैंने, डिस्क्रिप्शन भी लिखा। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ये ब्रैकेट डबल लग गई है, सही है। ये क्लियर स्काई लिखा हुआ भी आ गया, फ्यू क्लाउड्स लिखा हुआ आ गया। जी दोस्त, हाँ नहीं होनी चाहिए लोड, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पे आपने CSS की फाइल अलग है ना तुम्हारी, अच्छा अलग फोल्डर है ना, तो जहाँ पे आप उसका लिंक लगा रहे हो ना, वहाँ पे आप मेक श्योर करें कि डॉट स्लैश आपने लगाया है, डॉट स्लैश और फिर फाइल का आगे पूरा पाथ। अगर डॉट स्लैश आपने नहीं लगाया तो वो समटाइम कर प्रॉब्लम करता है, लिनक्स के एनवायरनमेंट में ना वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, अब हमने काम अगला करना ही है ना, ये जो हमने इनर HTML से किया हुआ है ना, ये हमने इनर HTML से नहीं करना था, ये हमें किससे करना था, इस वाले से करना था। तो हम वो बना रहे थे लास्ट, बनाते बनाते हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, तो ये कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में, सही है। तो मैं ये इनर HTML वाले को क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ यहाँ पर, और रोकने के बाद ये इस वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास फोरकास्ट डिव है ना, ये वाला फोरकास्ट डिव बनाया, ठीक है, फोरकास्ट डिव, अच्छा सॉरी, ये फोरकास्ट डिव वो वाला है जो वो ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने अपेंड करवाया, ये बना नहीं रहा मैं, इसमें अपेंड करवाऊँ। अच्छा, ये डिव बनाया, फिर मेरा ये वाला फोरकास्ट कार्ड, इसको मैंने क्लास भी दे दी फोरकास्ट कार्ड। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, इसके अंदर मुझे एक और डिव बनाना है, जो कि क्या होगा, जिसको मैं क्लास दूंगा डे। हाँ, आइटम बनेगा फिर अपेंड होगा ना, उससे पहले कैसे हो सकता है। तो अब मैंने क्या करना है, एक बनाना है लेट डिव, डे डिव बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या था, जो नाम है उसका वही रखते हैं, ये फोरकास्ट कार्ड है राइट, ये वाला फोरकास्ट कार्ड है ना, जिसका जो नाम है ना वही नाम रखते हैं, ताकि हमें आसानी हो। ये फोरकास्ट कार्ड है, सही है, डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और ये है डे डिव, यानी डे वाला जो है ना ये वो है। अच्छा, मैंने डे के आगे भी क्या लिखा, वही डिव बनेगा ये, ठीक है, डे डिव। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, डे डिव को क्या असाइन करना है मैंने, डॉट, इसको क्लास देनी है मुझे क्या भला, सेट एट्रीब्यूट से इसको क्लास क्या देनी है मुझे, जो भी डे है इसका, सही है। जी दोस्त, अभी मैं देख लेता हूँ तुम्हारा इशू, शादाब देखो तो मैं अगर समझ आ रहा है उसको गाइड कर दो। अब एक काम करें ना आप, ये ना मुझसे क्लास के आखिर में आप पूछिएगा सवाल, अभी आप लाइव पे चल रहा है ना, सही वो लाइव सर्वर पे सही चल रहा है ना अभी वो,
हाँ तो आप अभी लाइव सर्वर में उसको चलाएं, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी ना तो लास्ट में मैं सवाल जब लेता हूँ तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपके पास आके देख लूँगा कि क्या मसला है। ठीक है, नहीं लिंक से नहीं होगा ना, ये आपके पीसी में देखना पड़ेगा, लिंक से ये पता नहीं चलेगा मुझे। सही है ना, डीबग आपके पीसी में करना पड़ेगा उसको, तो मैं देख लेता हूँ आपके पास आ जाता हूँ। सही है, तो अभी आप ज़रा आगे का काम करें। सही है, आगे का ये देखें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको देखें गौर से, और ये वाला काम फिलहाल करें। जो CSS अटैच नहीं हो रही है वो इशू अभी मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। अच्छा तो ये मेरे पास बन गया डे वाला डिव। अच्छा डे के बाद ये मिन, ये मैक्स, ये सब क्या है? ये सब डिव है ये भी, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तीन डिव बन गया मेरे, हाँ चार बनेंगे, सही कह रहे हो। अच्छा चौथा का है, अच्छा ये मैंने एक और ऐड किया ना अभी, क्या नाम है इसका, ईच डे वाला, सही कह रहा है। इसका नाम डिस्क्रिप्शन होगा, एक एक का नाम डिस्क्रिप्शन मिन मैक्स। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मिन, उसके बाद मैक्स। ठीक है, तो ये तीन डिव बन गए। डे गायब कर दिया मैंने, हाँ सही कहा है, डे गायब कर दिया। अच्छा डे भी बना लेते हैं, ये डे हो गया। अच्छा डे को मैंने डे बता दिया, डिस्क्रिप्शन को जो क्लास दी हुई है मैंने फिलहाल वो मिन क्लास दी हुई है। सही है, तो इसको मैं मिन कर देता हूँ क्योंकि वो सेम CSS उस पर अप्लाई हो रही है, मैंने उसके लिए अलग से CSS नहीं लिखी करा। अच्छा इसको भी मिन दिया हुआ है मैंने, सॉरी इसको मैंने यहाँ पर मिन दिया हुआ है और इसको दिया हुआ है मैक्स। ये सारी डिफ तैयार हो गई मेरे पास, एक रह गया इमेज बीच वाला, इसको भी मैंने तैयार करना है, तो इमेज को भी मैं तैयार कर लेता हूँ यहाँ पे। सही है, मैंने कहा इमेज और यहाँ पे भी img लिख देता हूँ। इसको मैंने एट्रीब्यूट क्या क्या देना है इस इमेज को, इमेज के ऊपर मेरे पास एक क्लास का एट्रीब्यूट है, एक src का एट्रीब्यूट है, दो एट्रीब्यूट है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो है आपका img, इमेज के ऊपर जो क्लास का एट्रीब्यूट था क्या है img था। इसके अलावा एक और भी है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है, एक src का भी एट्रीब्यूट है, और src का जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो एक पूरा का पूरा url है। सही है, ये पूरा का पूरा url है। तो अब ये जो url है ये मुझे डायनेमिक रखना है, तो मैं इसको टेम्पलेट वाला बना लेता हूँ, और इसके बीच में मैंने क्या रखवा दिया, ईच डे डॉट वेदर और आइकन जीरो उसका। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो गया मेरा URL, जो भी इस वक्त इस वाले जो यानी कि लूप में हम मौजूद है ना, ये लूप के दरमियान में हम, ये अगर आप शुरू से देखें तो ये एक लूप है जिसके दरमियान में हम खड़े हैं। ठीक है, तो ये लूप क्या कर रहा होगा, ये लूप ये कर रहा होगा कि हर दिन पे जाके घूमेगा, पाँच दफ़ा चलेगा टोटल ये, और पाँच कार्ड ये से प्रोड्यूस होंगे, तो ये हर दफ़ा जो भी दिन होगा उसका आइकन आपको ये लगा कर देगा इसके अंदर। अच्छा अभी हमारे पास क्या मौजूद है, फोरकास्ट डिव मौजूद है, फोरकास्ट कार्ड मौजूद है। सही है, अभी तक मैंने किसी को भी अपेंड वगैरह नहीं किया फिलहाल। ठीक है, अभी तक मैंने किसी को अपेंड नहीं किया है, तो मुझे अब ये जो पांच एलिमेंट है इसको अपेंड करना पड़ेगा किसके अंदर, फोरकास्ट के कार्ड के अंदर। तो मैं फोरकास्ट कार्ड आऊँगा और फोरकास्ट कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड करूँगा, और सबसे पहले इसमें अपेंड क्या करना है, मैंने डे करना है। सही है, मैंने कहा डे, सही है, फिर उसके बाद अपेंड क्या करना है, img। सही है, उसके बाद अपेंड क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मिन और मैक्स। सही है, ये सारी चीज़ें जब मैंने फोरकास्ट के कार्ड में अपेंड कर दी, तो ये फोरकास्ट का पूरा कार्ड मैंने कहाँ अपेंड करवा दिया, उस मेन डिव के अंदर इसको मैंने अपेंड करवा दिया। तो ये वाला काम मैंने सारा जो लिखा है ये असल में वही काम है जो यहाँ इनर एचटीएमएल से हो रहा है, लेकिन ये डॉम के मेथड से हो रहा है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप कहीं पर ऐसी चीज़ नहीं आती कि आप फंस गए, अच्छा ये काम हो ही नहीं रहा, इससे सारे काम हो जाते हैं। इनर एचटीएमएल में ऑन अदर हैंड कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं और वो थोड़ा स्लो भी है,
तो हमने ये सारा काम इसके जरिए कर लिया, देखते हैं कि सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एक मसला है, वो टेक्स्ट चाइल्ड टेक्स्ट नॉड तो हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट नॉड हमने नहीं बनाया, इमेज आ गई ऑन अदरेड, क्योंकि इमेज में टेक्स्ट नहीं था। अच्छा, डे जो था इसके अंदर एक अदद क्या है, एक टेक्स्ट नॉड भी मुझे चाहिए एक अदद। तो टेक्स्ट नॉड भी मैं क्या कर देता हूँ, यहीं पर बना लेता हूँ, लेट डे टेक्स्ट नॉड। ठीक है, मैंने नाम ऐसा रखा है कि पता चले मुझे कि कौन से वाले का टेक्स्ट नॉड बनाया है। क्या बोलूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट बोलो क्रिएट create टेक्स्ट नॉड। अच्छा, अंदर इसके क्या लिखूंगा मैं, जो भी टेक्स्ट मुझे इसके अंदर लिखना है, इस पर मैं हाथ भी रखूंगा तो मुझे बता देता है कि स्ट्रिंग इसको चाहिए इसके अंदर, स्ट्रिंग इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैंने इसके अंदर क्या लिखना है भला, ये बात लिखनी है जो मैंने डे में यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने ये बात लिख दी इसके अंदर। अब ये टेक्स्ट नॉट को मुझे कहाँ अपेंड करवाना है, इस डे के अंदर अपेंड करवाना है। सही, हाँ, बैकटिक इसमें मिस हो गया। सही बात है, सही है। अब मैंने कहा कि भाई ये जो डे टेक्स्ट नॉट है इसको कहाँ अपेंड करवा दो, डे के अंदर करवा दो, डे डॉट अपेंड चाइल्ड डे टेक्स्ट नॉट, ये इसमें अपेंड हो गया। अच्छा, ये काम भाई दबे मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता था, ये जो तीन लाइनों में हुआ है ना, ये सिंगल लाइन में भी हो सकता था, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये अपेंड चाइल्ड के अंदर जो ये वाला काम है ना, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कट करके मैं इसके बीच में ही लिख दूँ, मैं इसके बीच में ही लिख दिया, इस लाइन को ही हटा दूँ सीधे से, मैं ये भी कर सकता हूँ। सेट एट्रीब्यूट वाला भी हो सकता है, मैं यहीं पर डॉट लगा के भी सेट एट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सही है, लेकिन लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल, अभी मैंने इसको अलग अलग लाइन में किया, और आप भी कोशिश कीजिएगा अलग अलग लाइन में करें इसको, एक लाइन में भी हो सकता है ये पूरा एक लाइन में, ये चार लाइन का कोड ना, ये पूरा एक लाइन में हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको अलग अलग लाइनों में करें, जस्ट टू कीप इट सिंपल, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, एक लाइन में लिखेंगे तो भी परफॉर्मेंस वही है, चार में भी परफॉर्मेंस वही है। अच्छा, तो ये टेक्स्ट नॉट मैंने एक का बना दिया, देखते हैं इसका टेक्स्ट नॉट पहुँचा है वहाँ पर या नहीं पहुँचा। इसका टेक्स्ट नॉट पहुँच गया है। अब अगला टेक्स्ट नॉट कौन सा है, डिस्क्रिप्शन का। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा मैं, और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके मैं बोलूँगा कि भाई, ठीक है, मैं इसका नाम रखूँगा कि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट नॉट, DESC डिस्क्रिप्शन के लिए शॉर्ट, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट नॉट। और मैंने बोला कि क्या करो आप, डिस्क्रिप्शन में उसको अपेंड करो, और टेक्स्ट नॉट की जगह ये जो टेक्स्ट था ये तो उसका था ना, अब इसके में डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है मुझे वो मैं लेकर आता हूँ। बस डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बात लिखनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ये बात आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा, यही टेक्स्ट नॉट मुझे मिन में भी चाहिए, और यही टेक्स्ट नॉट मुझे मैक्स में भी चाहिए। इसका मैं नाम चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा मिन का टेक्स्ट नॉट है ये, इसका मैं नाम चेंज करूँगा, बोलूँगा मैं मैक्स का टेक्स्ट नॉट है। ठीक है, क्लियर स्काई तीन दफ़ा लिखा हुआ है, सही है। तो डिस्क्रिप्शन हो गया। अच्छा, मिन के अंदर क्या लिखूंगा मैं, डॉट मिन था टेम्प अंडरस्कोर मिन, और टेम्प अंडरस्कोर मैक्स, राइट। वही अंडरलाइन क्यों आ रहा है, यही था ना। अच्छा, मेन डॉट था, मेन डॉट, हाँ भाई सही हो गया बिल्कुल। अच्छा, वो मैथ डॉट फ्लोर मैंने नहीं लगाया इसके अंदर, सही है। इसमें मैं मैथ पूरा यहीं से उठा लेता हूँ यार, मैं इसमें मैथ डॉट फ्लोर भी नहीं लगाया, और वो डिवाइड भी मारना था उसको, वो भी नहीं मारा, तो मैं पूरा ऊपर से ही उठा के ले आता हूँ मिन का। सही है, ये मिन का ऊपर से था कि मैथ डॉट फ्लोर लगा के पॉइंट वॉइंट उसके हटाए मैं उन्होंने।
ठीक है, ये हमने पूरा उठा लिया। अच्छा अब इसमें एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुआ। अब लाइन ब्रेक कैसे होगा? लाइन ब्रेक नहीं हुआ इसके अंदर। अच्छा एक चीज़ और मैंने मिस कर दी है, यहाँ पे मैं लिखता था मिन और उसके आगे डॉट लगा के फिर आगे की बात लिखता था, वो भी नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा मिन और उसके बाद आगे लिखूँगा मैं मैक्स ऐसे, ताकि वो मिन और मैक्स वहाँ पे लिखा हुआ भी तो आए। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वही है कि मिन और 20 उसके बाद लाइन ब्रेक नहीं है। कौन मुझे ये बताएगा कि लाइन ब्रेक यहाँ पे कैसे बनाया जाता है? बीआर तो डाल दूंगा, नहीं उधर मैंने बीआर तो नहीं लगाया था यहाँ पे, ये तो डिफ ऑटोमेटिकली नई लाइन में आ रहा था खुद ही। नहीं असल में ये ब्लॉक लेवल इसको इसलिए नहीं कर रहा बीएफ क्योंकि ये फ्लैक्स बॉक्स के अंदर है। हाँ भाई इसका क्या हल निकाला जाए? ये एक डिप है, दूसरा डिप है और ये तीसरा डिप है, ये तीन डिप लाइन्स इसके अंदर मौजूद है। देख रहे हो मसला समझ आया? ये असल में एक ही डिप में तीनों चीज आ गई है, मिन वाले में, मैक्स वाले में वो गया ही नहीं है। तो हमने कोड में पहले तो देखना है कि कोड में हमने कोई मिस्टेक की है क्या। अच्छा वो तीनों को मैंने एक ही में पुश किया हुआ है ना, सही तो है, जब ही तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है मिन डॉट अपेंड मैक्स डॉट अपेंड, हाँ अब सही हुआ है वो। असल में मैंने गलती से एक ही में तीनों को पुश करवा दिया था इसलिए हो रहा था, वो कोई बी आर वी आर का इशू नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ये फ्लैक्स बॉक्स के अंदर है और क्लासेस लगा के हमने सेट किया हुआ था सब कुछ। अच्छा तो ये वही चीज़ हमने क्या कर दिया, हमने डॉम के मैथड से बना दिया। ठीक है, अच्छा डॉम का जो इसमें काम हुआ हुआ है वो लाइन नंबर 164 से शुरू हुआ है और 202 पे ख़त्म हो गया है, यानी टोटल 40 लाइनों का कोड है तकरीबन मोर और लेस जो इसमें डॉम का हुआ हुआ है। उस 40 लाइन में बीच में स्पेसेस वगैरह भी हैं तो शायद 20 लाइन है मैक्सिमम, फिर तकरीबन 20 लाइन के करीब इसमें जो है ना जगह छोटी हुई भी है। अगर मैं ये छोटी हुई जगहों को मैं हटा दूँ ख़त्म कर दूँ तो ये कितने लाइन का बनता है? तो डॉम का कोड असल में इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है, उसके मुकाबले में तो ज़ाहिर है लेंदी है, लेकिन उसके मुकाबले में बहुत सारा इसमें लेवरेज भी आपको मिलता है जो उसमें नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे ये कि आप अगर इनर एचटीएमएल से किसी चीज़ को सेट करवाते हैं तो अभी सही मिसाल वैसे मेरे जहन में आ भी नहीं रही है अभी बाई द वे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एक तो बात ये है ना, सबसे पहली बात कि अगर आप ज़्यादा लूप चलाते हैं ना तो इनर एचटीएमएल वाला पता है आखिर में अपडेट करता है, ये एक इसका इशू, ये तो पक्की बात है। जब ज़्यादा लंबा लूप आप चला देते हैं तो जब वो पूरा लूप चल के ख़त्म हो जाता है ना फिर वो अपडेट होता है, उस वक्त तक आपको वो ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहा होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई करके देखा है ये तो मैट्रिक्स वाले में ये हुआ था हमारे साथ, जब हम ज़्यादा बड़ा मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं ना तो वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है और ब्लैंक स्क्रीन दिखा देता है। ये ऐसा नहीं करेगा, ये जहाँ जहाँ आपने अपेंड चलाया होगा ना वो अपेंड चलता हुआ दिखेगा आपको, टक 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 ऐड होता हुआ दिखेगा। इसको बाकायदा प्रिवेंट करने के लिए लोग लोडर लगाते हैं और वो जब पूरा चल जाता है तो फिर डिस्प्ले करवाते हैं, ये तो आपको ये दिखेगा ऐड होता हुआ, ये फास्ट है थोड़ा। इनर एचटीएमएल भी बिहाइंड द सीन यही कोड चला रहा होता है, लेकिन जाहिर है वो कन्वर्जन एक जनरेशन का एक प्रोसेस होता है तो वो कोड जनरेट वेनरेट का मसला हल हो जाता है। तुम समझे नहीं, देखो अगर ये कार्ड अभी तो थोड़े से है ना, अगर ये 1000 कार्ड होते, 1000 कार्ड अगर ये होंगे और मैंने लूप चला के वो कार्ड को डिस्प्ले करवाया हुआ इनर एचटीएमएल से, तो जब तक वो लूप चल रहा होगा ना मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, मुझे बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा स्क्रीन। वो बिल्कुल लूप ख़त्म होने के बाद फिर वो दिखाएगा और थोड़ा सा वो हैवी रहता है, स्लो रहता है थोड़ा,
इस वाले में ऐसा नहीं होगा, इस वाले में पहली बात तो ये इतना लाइट वेट है कि वो लोड लेगा ही नहीं आपसे, डायरेक्ट चला देगा ये, मतलब फील नहीं होगा आपको कि कभी लोडिंग हुई है। ठीक है, वेल अब इसको जितना इसमें आप मेहनत करते जाएंगे ये उतना बेहतर होता जाएगा, जितनी सी एस एस इसमें आप लगा सकते हैं वो लगा दें। नहीं, हाँ नहीं, अगर नीचे एक दूसरा स्लाइडर दिखाना है, जैसे ये एक स्लाइडर है ना, तो डे वाइज आ गया, नीचे एक दूसरा दिखाना है उसके लिए दूसरा लूप चलाना होगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही है वो, तो जितना आप लूप, जितना आपको डेटा दिखाना है उतना लूप आपको चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, इस पर ऑन क्लिक आप इस पर लगा सकते हैं, वो डॉम के ज़रिए भी लगा सकते हैं, अभी डॉम से जनरेट हो रहा है ना, तो आप उस पर ऐड एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं ऑन क्लिक, और इवेंट लिसनर के ज़रिए भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो गया। और क्लिक होने पे आपको क्या मिलेगा, इसका डेट मिलेगा ना आपको इसका, सही है, या वेनसडे आपको मिल जाएगा ना ये, तो वेनसडे आप देख लेंगे कि मेरे डेटा में वेनसडे का कितना आइटम है, वो सारे नीचे डिस्प्ले करवा देना लूप चला के, ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो भाइयों जिस जिसने अभी तक ये नहीं किया है वो कर ले प्लीज, जी भाई ऑन क्लिक के अलावा वो है ना इवेंट लिस्नर, नहीं मैंने ये कहा कि इस पे भाई तुम ऑन क्लिक लगा सकते हो दोनों तरीके से, एक तो ऑन क्लिक से और दूसरा इवेंट लिसनर से। ऑन क्लिक एक लगता है एट्रीब्यूट में कि यहाँ पे मैं आऊँ और इसके ऊपर ना मैं ऐसे बोलूँ यहाँ पे कि ऑन क्लिक और इक्वल्स करके एज अ एट्रीब्यूट इसको मैं दे दूँ, और एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से गेट करता हूँ उसको ना, और डॉट एड इवेंट लिसनर लगाता हूँ, जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है वो डॉट एड इवेंट लिसनर वाला है। तो दोनों तरीके इसमें भी यूज़ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ये फोरकास्ट डिव, सॉरी ये फोरकास्ट का कार्ड है ना, अभी इसके ऊपर मैंने सेट एट्रीब्यूट कॉल किया है, तो यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट सेट कर सकता हूँ ऑन क्लिक, सही है, और यहाँ पे फंक्शन का इसको मैं नाम दे दूँ, मैंने कहा कि डिस्प्ले टुडे वेदर, ये फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया, साथ में मैंने इवेंट भी कॉल करवा दिया यहाँ से। ये तरीका रेकमेंडेड नहीं है, सही है। और दूसरा तरीका कौन सा है कि मैं बोलूँ फोरकास्ट कार्ड डॉट एड इवेंट लिसनर, सही है, और इवेंट लिसनर के आगे फिर मैं जो है ना वो लगा दूँ कि भाई कौन सा होगा, ऑन क्लिक होगा, और कॉमा डाल के मैं उसको क्या दे दूँ, एक अदद फंक्शन दे दूँ, ठीक है, इवेंट यहाँ से मिलेगा, इस इवेंट पे डॉट लगा के टारगेट लगा के मुझे अंदर की इसकी वैल्यू मिल जाएगी, उससे मैं उठा लूँगा अच्छा वेनसडे या ट्यूजडे कौन सा है, सही है। तो दोनों तरीके से इस पर आप कर सकते हैं, ये काम पॉसिबल है, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो अभी ये कंप्लीट करें आप लोग, जिस जिस का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, एरो फंक्शन तो हम कवर कर चुके हैं ना क्लास में अपने, फंक्शन जब हमने पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के तो एरो फंक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा था, आप शायद बाद में ज्वाइन किया आपने, दूसरे सेक्शन से आप आए, राइट, तो आप एक काम कीजिएगा, ये यूट्यूब पर अपलोड होती है ना वीडियो ये वाली, तो वहाँ से जाके ना आप फंक्शंस का जो टॉपिक है वो वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, बोलिए, वो इवेंट्स भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, अच्छा ये प्लेलिस्ट में बैज 8, ये रहा ग्लिम्स ऑफ बैज 8, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों टॉपिक कहाँ पे कवर हुए हैं, ये देख लो नंबर 21 जो है, वीडियो नंबर 21 ES6 फंक्शंस, और नंबर 20 में भी थोड़ा सा ES6 फंक्शन यहाँ पे डिस्कस हुआ है, तो 20 और 21 अगर आप देख लेंगे ना तो आपको ये एरो फंक्शन का मसला हल हो जाएगा कि फंक्शन कितने तरह के होते हैं, फंक्शन में क्या क्या कुछ पॉसिबल है, वो सब यहाँ डिस्कस हुआ है। उसके अलावा दूसरा क्या तुमने बोला, इवेंट, अच्छा इवेंट भी इसमें बता देता हूँ मैं कहाँ पर है, ये रहा नंबर 28 ES6 इवेंट, व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पैराडाइम, हाउ टू रजिस्टर एन इवेंट,
नंबर 28, नंबर 29, नंबर 30 और नंबर 31, ये चार वीडियोज जो है वो इवेंट से रिलेटेड है कि वो ई जो है वो होता क्या है और उस ई से आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। फिर इस इवेंट को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने उस इवेंट के ज़रिए एक ड्राइंग की ऐप बनाई थी जो आप भी बना लीजिएगा अगर आपने नहीं बनाई अभी, ठीक है। तो ये चार वीडियोज़ इवेंट की हैं, ये देखने के बाद इसका जो असाइनमेंट था वो एक ड्राइंग की एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जैसा एक छोटा सा ऐप हमने वेब के ऊपर बनवाया था आप लोगों से, ठीक है जी। तो अब मैं पहले तो आपके पास आ जाता हूँ, आपके पीसी में आके देख लेता हूँ कि इशू आपका ना डीबग कर लेता हूँ। और भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बुला सकता है, मुझे बुला के आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।